तो मेरे भाई क्या आपको पता है कि अगला 100% कंफर्म गोल्ड रॉयल हमारा कौन सा होने वाला है और एनिवर्सरी में हमें क्या क्या नए नए आइटम मिलने वाले हैं, वो गाइस सब कुछ इस वीडियो के मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली, तो वीडियो का पूरा लास्ट तक देख सकते हो। गोल्ड रॉयल के साथ फोर्थ एनिवर्सरी की भी बात करेंगे और गोल्ड रॉयल के मेल और फीमेल दोनों ही बंडल्स की बात करेंगे, कौन कौन से आपको देखने को मिलेंगे। एक तो आपको गोल्ड रॉयल एंड इसका जो दूसरा बंडल है वो आपको मिलेगा FF टोकन स्टोर में, जहाँ पर आप बिल्कुल फ्री में रिडीम कर सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों ही बंडल आपको बेसिकली फ्री में मिलते हैं। एंड OB29 के अपडेट में आपको कौन कौन से गोल्ड रॉयल के बंडल मिलेंगे वो भाई मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। और भाई जो भी बंडल मैं आपको दिखाऊंगा इसकी चांसेस सबसे ज़्यादा है आने का, ठीक है। तो भाई पहले बंडल दिखाता हूँ, फिर आगे बात करते हैं। तो भाई शुरुआत करते हैं पहले फीमेल बंडल से। तो भाई फीमेल बंडल कुछ इस तरीके का होने वाला है, जिसका नाम है इमोर्टल मलिका। तो भाई ये जो बंडल है बेसिकली अरेबियन सर्वर के हैं, ठीक है। और ये वाला जो बंडल है ये आपका गाइस मेल का बंडल, ठीक है। तो ये दोनों ही बंडल आपको मेल और फीमेल के एक गोल्ड रॉयल और एक दूसरा FF टोकन स्टोर में मिलने वाला है, जो कि मतलब काफ़ी सही बंडल है, ठीक है। आप कमेंट में ज़रूर बताना कि मेल और फीमेल दोनों में से आपको सबसे बढ़िया बंडल कौन सा लगा और ये वाला जो गोल्ड रॉयल का मेल बंडल है वो आपको कितना अच्छा लगा, ये कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। अब गाइस आगे बात करते हैं कुछ और अपडेट्स की, ठीक है। जैसे कि यार हमारी न्यू एवोल्यूशन गन आ रही है XM8, जी हाँ न्यू एवोल्यूशन XM8 गन आ रही है हमारी, और ये OB29 के अपडेट में आ जाएगी, यानी 5 तारीख के बाद ये आपको गन कभी भी देखने को मिल सकती है फेडेड व्हील में, ठीक है। फेडेड व्हील में ही मिलेगी बेसिकली ये, तो मैं आपको ये एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। तो उसके साथ यार आपको कुछ एक लूट बॉक्स और एक बैकपैक भी मिलेगा, ये वाला लूट बॉक्स है पहला वाला, ठीक है, और बीच वाला जो है बैकपैक है, और ये हमारी एवोल्यूशन XM8 है। देखो इसकी जो पावर है उनकी तरह ही होने वाली है, लगभग डबल रेट ऑफ फायर सिंगल डैमेज, बट आपको अपग्रेड करना पड़ेगा 14,000 करीब टोकन लगा के, और आई थिंक मैंने बोल दिया 14,000 टोकन भाई, 14,000 डायमंड लगा के आपको यहाँ पर अपग्रेड करना पड़ेगा, जिससे आपको डबल रेट ऑफ फायर एंड सिंगल डैमेज मिल जाएगी। और भाई उससे अच्छा भाई मैं आपको बोलूँगा डबल रेट ऑफ फायर के लिए लिवली बीस्ट है आपकी, ठीक है, जो कि लगभग यार सबको फ्री में ही दी गई थी, ठीक है, सबको फ्री में दी गई थी और ऑलमोस्ट सबके पास है वो। आगे बात करते हैं गाइस OB29 के अपडेट में आपको इलाइट मोको देखने को मिलेगी, वो भी मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है। इसकी कंफर्मेशन मेरे पास काफ़ी टाइम से थी बट मैंने अभी तक आपको एक बार भी नहीं बताया, अपनी तरफ से तो भाई नहीं बताया, आपको पता होगा उसकी बात अलग है। तो भाई इलाइट मोको हमारे कुछ इस तरीके की होने वाली है। अब मुझे ये पता नहीं यार मोको को इलाइट बनाने की क्या ज़रूरत थी, ठीक है। मोको की एक सिंपल सी एबिलिटी थी जो लोगों को ट्रेस करती थी, ठीक है, ट्रैक करती थी, और उसमें भी इलाइट कर दिया भाई, क्या मतलब देखते हैं भाई गरीना आप क्या करते हैं इसमें, ठीक है। और बाकी बात बाद में करेंगे, जब ये आएगी तब इसका टेस्ट वगैरह करेंगे। तो फिलहाल अभी भाई इलाइट मोको हमारी कुछ इस तरीके की देख सकते हो आप, और OB29 अपडेट में इसे ला दिया जाएगा, ठीक है, तो आप इसका यूज़ कर पाओगे। अब गाइस बात करते हैं एनिवर्सरी से जुड़े अपडेट की। तो एनिवर्सरी से जुड़े अपडेट हैं भाई, देखो बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे भाई जो एक्टिव स्किल, देखो आपको वाले जो कैरेक्टर्स हैं जो विदाउट एक्टिव स्किल है पैसिव स्किल वाले कैरेक्टर, वो तो आपको बिल्कुल फ्री में मिलेंगे, ठीक है। पैसिव स्किल वाले कैरेक्टर्स तो आपको बिल्कुल फ्री में मिलेंगे, बट जो एक्टिव स्किल वाले जो कैरेक्टर्स है वो आपको फ्री में नहीं मिलते, ये तो आपको पता है। कुछ कैरेक्टर्स हैं एक्टिव स्किल वाले जो कि आपको फ्री में मिल जाते बट सभी नहीं मिलते। तो भाई यहाँ पर देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इस बार जो एक्टिव स्किल वाले कैरेक्टर्स हैं आलोक गाइस, आलोक खास तौर पर, बाकी सभी कैरेक्टर 300 डायमंड्स के अंडर में डिस्काउंट के अंदर आएंगे, ठीक है। सभी कैरेक्टर एक्टिव स्किल वाले जो तगड़े कैरेक्टर्स हैं वो 300 डायमंड्स के अंडर में आएंगे, तो आप उनकी तरफ जा सकते हो, ठीक है, आप उनकी तरफ जा सकते हो 300 डायमंड्स के अंडर में, आपको बाकी सभी ये भी कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। सो गाइस ये कुछ अपडेट है, ठीक है। और एक चीज़ और मैं आपको अपडेट कर दूँ, यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट इनक्यूबेटर होने वाला है वो होने वाला है गाइस MP5 का, यहाँ पर आप देख लो उसका ब्लूप्रिंट बाकी चीज़ें, ठीक है। तो ये बेसिकली होने वाले हैं हमारे नेक्स्ट इनक्यूबेटर, और आप मेरे तो कमेंट में यार बताओ भाई कोई ऐसा बंदा है जो MP5 के में इनक्यूबेटर में भाई डायमंड स्पेंड करना चाहेगा MP5 के इनक्यूबेटर में, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। फिलहाल ये मेरे पास तो MP5 की 2-3 स्किन है, वो भी रेयर स्किन्स हैं, तो भाई मैं तो नहीं चाहूँगा वेस्ट करना। तो आप भाई कमेंट में मुझे ज़रूर बताना क्या आप MP5 इनक्यूबेटर निकालने वाले हो या फिर नहीं, और ये वाला इनक्यूबेटर जैसे ख़त्म होगा तो आई होप कि उसके बाद ही आपको ये वाला इनक्यूबेटर देखने को मिल जाएगा। सो गाइस ये सभी अपडेट आपको कैसे लगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ। एंड गाइस लास्ट में एक चीज़ आपको बोलूँगा भाई, देखो अपने एयर ड्रॉप के जो डायमंड है वो बचा के रखना, वो मैं हर वीडियो में आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको डिस्काउंट डायमंड देखने को मिलेंगे और भाई लाइट पास भी आपको डिस्काउंट देखने को मिलने का बहुत ज़्यादा चांस है, ठीक है। चांस क्या है, बहुत ज़्यादा कन्फर्मेशन है कि आपको मिलेगा ही। तो भाई डायमंड अपने सेव करके रखो, और अगर आपके पास डायमंड ना हो तो भाई विंस ऐप को डाउनलोड कर लेना, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तब तक आप काफ़ी सारे डायमंड अर्न कर सकते हो, ठीक है। तो ट्राई करना विंस ऐप को मत भूलना। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही, होप की वीडियो में आपको मजा आएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।